बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं आपके सामने किट के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो है वो लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं कुछ फैक्ट्स की जानिब। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। सबसे पहले तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि K2 जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, और इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। इसका दूसरा नाम जो है वो माउंट गॉडविन ऑस्टन भी है। ये रीज़न इसका नाम माउंट गॉडविन ऑस्टन क्यों है ये भी आगे जाकर जो है आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। K2 जो है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कराकरम रेंज है उसमें वाक़ है। 1852 में ब्रिटिश सर्वेयर जिसका नाम TG मॉन्टगोमरी था, उसने इसका नाम K2 जो है वो रखा था। K स्टैंड फॉर बेसिकली कराक्रम है, और 2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो K2 रखा गया, क्योंकि ये कराक्रम रेंज में है और ये दूसरी बड़ी जो है वो चोटी है। तो इस वजह से इसको हम K2 के नाम से जो है वो जानते हैं जी। तो इसका नाम जो मैंने आपको पहले बताया माउंट गॉडविन ऑस्टन जो है वो क्यों रखा गया था। बेसिकली गॉडविन ऑस्टन जो है ये एक जोग्राफर था, सर्वेयर था, जिसने K2 की बेस पर बैठकर जो है वो इसका सर्वे किया था, सर्वेयर था वो। इस वजह से जो है वो इसका नाम माउंट गॉडविन ऑस्टन जो है वो रखा गया। K2 के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो स्नो का पहाड़ है, ओशन ऑफ स्नो इसको कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बर्फ़ के जो है वो तूफ़ान हर वक्त जो है वो चलते रहते हैं। इसी वजह से इसका एक दूसरा नाम जो है वो सेवेज माउंटेन भी रखा गया। इसको सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इसको सर करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर जो है वो बर्फ़ के तूफ़ान जो है वो आते हैं। नेक्स्ट है वो कुछ और हम इसके हकाइक पे जाते हैं, कौन कौन से अमेजिंग फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि सेकेंड हाइस्ट फर्टिलिटी रेट जो है वो इसी माउंटेन पर है। जो हमारे पास 14 इंडिपेंडेंट माउंटेन्स हैं दुनिया पर जो बहुत बड़े, जिनमें 8000 से ज़्यादा जिनकी ऊंचाई है, उनमें से दूसरे नंबर पर K2 है जहाँ पर फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो भी इसको सर करने की कोशिश करता है उनमें मरने वालों की तादाद जो है वो उसमें ये सेकंड नंबर पर है। जो 300 सक्सेसफुल समिट्स हैं और जो 77 इसमें फर्टेलिटीज हुई हैं, ये कहा जाता है कि 4 out of 4 पर्सन में से 1% जो है वो इसमें से डेथ हो जाती है। तो ये एक बड़ी एक खौफनाक बात भी है इस माउंटेन के बारे में। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मली इसको जो है जून जुलाई अगस्त के महीनों में जो है इसको क्लाइम किया जाता है, क्योंकि विंटर के दौरान आप जानते हैं कि शदीद बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ के तूफ़ान चलते हैं। इसी वजह से इसको जून जुलाई और अगस्त के महीनों में ही इसको सर किया जाता है। 1986 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत एक ख़तरनाक भी एक माउंटेन है, तो 1986 में 13 क्लाइंबर्स जो है उनकी डेथ हो गई थी। 5 क्लाइंबर्स जो थे वो इसको चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी डेथ हुई। उससे पहले भी 8 जो है क्लाइंबर्स उनकी भी डेथ हुई, तो टोटल 13 जो है क्लाइंबर्स जो है जो इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनकी डेथ हुई। इसी तरह 2008 में भी 1 अगस्त को एक डिज़ास्टर बड़ा हुआ जिसमें 11 जो माउंटेनियर्स थे उनकी डेथ हुई। तो